वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। उत्तर प्रदेश के चुनाव का आज समापन हुआ। आज यानी 10 मार्च को यूपी में योगी का बुलडोजर खूब गर्जा, इतना गर्जा कि उसके सामने क्या साइकिल और क्या हाथी सब तुरंत पस्त पड़ गए। दोबारा शानदार जीत के साथ यूपी में सरकार बनाने जा रही बीजेपी ने विरोधियों की हालत खराब कर दी है। लेकिन इस सब के साथ एक और व्यक्ति है जो बेहद परेशान होंगे और यूपी से सामने आए रुझानों को देखकर अब तक उन्होंने यूपी छोड़ने की तैयारी भी कर ली होगी। जी हम बात करें मशहूर शायरा मुनव्वर राना की, जो हमेशा भाजपा और योगी पर हमला बोलने के लिए सुर्खियों में रहते हैं। 2022 में अगर योगी फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं यूपी छोड़ दूंगा, यही शब्द थे मुनव्वर राना के। आपको याद नहीं होगा, सुन लीजिए। ओवैसी की बेवकूफी से, नादानी से, लालच से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को नुकसान करने की वजह से अगर भाजपा अगर यहाँ आ जाती है तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो बताओ हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो बताओ भाजपा की सुनामी एग्जिट पोल से ही दिखाई दे रही थी। उसके बाद से लोग मुनव्वर राना की चुटकियां ले रहे थे और कह रहे थे कि अब प्रदेश से मुनव्वर जाने वाले हैं। उन्होंने अपना सामान भी पैक करने शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने मुनव्वर राना के खूब मजे लिए। एक यूजर ने तो मुनव्वर की एयरपोर्ट पे खड़े हुए फोटो शेयर की थी और लिखा था, योगी जी के दोबारा मुख्यमंत्री की आहट पर यूपी से जाते मुनव्वर राना। अब जब चुनाव के नतीजे तकरीबन आ गए हैं तो लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया है कि मुनव्वर राना खुद जा रहे हैं या वो छोड़ के आए। इस खबर में इतना ही।